करम का पर्व यह आदिवासियों का खास पर्व है। इस पर्व को आदिवासी खास तौर पर मनाते हैं। ये प्रकृति के पुजारी होते हैं और ये प्रकृति की पूजा करते हैं। फिर करम के दिन युवा लोग सूरज ढलने से पहले ही अपने गांव से निकल जाते हैं और करम बैल जहां से लाते हैं वहां जाते हैं। वो रास्ता में जब गीत नाच करते आते हैं तो फिर बहन लोग आधा रास्ता में फिर वो करम डाल को झुकने के लिए मिलती हैं। फिर उसको लेने के बाद अखड़ा में आती है, पहनाइन आती है, अखड़ा लिख देती हैं। युवा लोग आते हैं, वो लोग गढ़ा कोड़ देते हैं, फिर उसको वहाँ स्थापित किया जाता है। मैं 3-4 साल से करमा का उपवास करती हूँ। यह भाई बहन का पवित्र पर्व है। मैं अपने भाइयों के सफल भविष्य और परिवार की खुशहाली के लिए यह उपवास करती हूँ। यह 2 दिन का उपवास होता है। यह एकादशी की संध्या को पाहन के द्वारा पूजा के साथ खत्म होता है। कल तक करम पूजा मतलब आदमी सोच लिया था कि बस करम में पीना है, खाना है और नाचना है, वही पूजा है। लेकिन आज लोग जान रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ पर्व नहीं है बल्कि पूजा है और हम लोग का श्रद्धा आस्था अस्तित्व अस्मिता से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको बड़ी लगन के साथ, बड़ी आस्था के साथ लोग मनाते हैं। और मैं हूँ निर्मला, रांची झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।